नमस्कार दोस्तों, इजलास रूम आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में जो उन्होंने 498A के बारे में अभी रिसेंटली दिया है। दोस्तों, इस केस में हम केस के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन फैक्ट्स के बारे में और केस के बारे में क्या बोला है, 498 के बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी करी है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे केस का फैसला क्या रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, अगर इस केस के फैक्ट्स आपके केस से मैच होते हैं तो आप इसको अपने केस में दे देंगे तो वो उस पर लागू होगा, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो पूरे देश भर में लागू होता है। दोस्तों, इस केस का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, कहसकर कोसर एलियास सोनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और फैसले की तारीख है 8 फरवरी 2022। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां बहुत की 498 के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A किसी औरत को दहेज से के लिए होने वाली प्रताड़ना से बचाने के लिए जो है एक्शन में आता है। 498 में जो हस्बैंड और उसकी फैमिली है, अगर वो दहेज के लिए किसी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं तो वो एक क्राइम है और उसके लिए उसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अब मेजॉरिटी केसेस में इसका मिसयूज़ होता है और उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो मौजूदा केस जिसका टाइटल मैंने आपको बताया, इस केस में क्या था कि हस्बैंड और वाइफ की शादी के बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है। वाइफ एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करती है कोर्ट में, जिसमें हस्बैंड और उसकी फैमिली को पार्टी बना लेती है, और उस क्रिमिनल कंप्लेंट में कोर्ट जो है वो कहता है कि भाई, जो हस्बैंड है सिर्फ उसके खिलाफ प्रिमा फैसाई केस में डाउट होता है, ना कि उसकी फैमिली के खिलाफ, उनको वो छोड़ देता है। मामला उस केस में कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाता है और वो केस जो है डिस्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से किसी इशू पे वाइफ और हस्बैंड के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, और उस डिस्प्यूट में वाइफ हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ एक कंप्लेंट देती है और पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज करती है। दोस्तों, उस FIR के सेक्शन में आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा, 498A दहेज के लिए प्रताड़ना, 341 जब कोई किसी को कमरे में बंद कर देता है, 323 कोई किसी के साथ मारपीट करता है, 354 किसी औरत की गरिमा को भंग करने के लिए कोई बल का प्रयोग करता है, और 379 चोरी। तो दोस्तों, इतने संगीन इल्जामात के साथ एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली जो है वो पार्टी होते हैं। तो हस्बैंड की जो फैमिली होती है वो इस FIR को क्वैश करने के लिए, इस FIR को ख़त्म करने के लिए कि भाई उनका नाम निकल जाए, उसके लिए हाई कोर्ट पहुंचती है। अब हाई कोर्ट पहुंचने के बाद हाई कोर्ट कहते हैं कि भाई, अब 482 में हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी FIR को क्वैश कर सकती है, पार्टली भी कर सकती है कि भाई, जैसे मान लीजिए हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ FIR दर्ज है तो उसके फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव चले जाते हैं क्वेश्चनिंग में, वो जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज जो हुई है रिलेटिव्स वाली वो ख़त्म हो सकती है अगर कोर्ट को लगता है तो। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलते हैं कि भाई, अभी तो मामला प्रिमा फैसाई एक केस जहाँ पे हमें लगता है कि भाई किसी जुर्म का होना हमें लगता है हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, हम FIR क्वैश नहीं करेंगे। तो उक्त फैसले के खिलाफ वो लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है फैक्ट्स को देखते हैं, FIR को देखते हैं। उसके बाद उस FIR को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि भाई, जो रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के, उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ही नहीं है, वो वेग एलिगेशन है। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ना होने के कारण कि भाई, मान लीजिए 5 बंदों के नाम है, 5 में से किसने क्या किया वो नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लगा गया है। तो अब जब स्पेसिफिक एलिगेशन ही नहीं है, वेग एलिगेशन है, और जो प्रिमा फैसाई अब बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट कि भाई, एक
498 को जिस तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हस्बैंड के जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, अगर वो बाद में बरी हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़े घाव की तरह होंगे। क्योंकि जब कोई बेकसूर आदमी एक ट्रायल फेस करता है, पेशियों पे घूमता है, जमानत करवाता है, और समाज में जब पता चलता है कि वही वो मुकदमे भुगत रहा है, ठीक है जी, तो वो एक प्रकार का उसके लिए घाव होता है। और अब जब स्टेज ऐसी है कि भाई 482 में ये लोग आए हुए थे, तो वो उस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई जब स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और किसने क्या किया ये बताया नहीं हुआ, तो इसको मेड अप स्टोरी वो मान, वो उस एफआईआर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते हैं, और वो उस एफआईआर को रिलेटिव्स के हक में उसका ऑर्डर कर देते हैं, और एफआईआर को रिलेटिव्स का नाम एफआईआर से निकाल देते हैं, एफआईआर को क्वैश कर देते हैं क्वादी रिलेटिव्स, तो उसमें सिर्फ हस्बैंड जो है वो पार्टी रह जाता है। तो दोस्तों इस केस का फैसले का मतलब ऐसा क्या महत्व है कि भाई हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में वाइफ प्रेशर बनाने के लिए जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर केस फाइल करती हैं, और जब पेरेंट्स केस में पार्टी बन जाते हैं तो प्रेशर हस्बैंड के ऊपर आ जाता है और वो जो है कमज़ोर पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि भाई जब बात सेटलमेंट तक नहीं जाती है तो जो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोर्ट में एक ट्रायल फेस करते हैं, कई बार सजा हो जाती है, कई बार वो बरी हो जाते हैं, कई बार अपीलों में घूमते हैं, तो वो उनका बुढ़ापा जब कोर्ट के बाहर बैठ के पेशियाँ भुगतने में निकलता है तो वो उनकी ज़िंदगी पे एक घाव की तरह हो जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का इसमें फैसले में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ये 10 पेज से ज़्यादा का शायद फैसला है। और इस फैसले में जो बहुत अच्छी बात है कि भाई किसी कानून का जब कोई मिसयूज़ होता है, क्योंकि 498A को जो जनरली जो है ना वाइफ मिसयूज़ करती हैं एज ए वेपन, तो उस वेपन के ख़िलाफ़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है बहुत अच्छे से कारगर सिद्ध होगा। तो अगर ये केस आपके किसी केस के फैक्ट से मिलता जुलता है तो आप इसको अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो, और अपने रिलेटिव अगर आपके खिलाफ कोई केस हो गया है आपके रिलेटिव के खिलाफ, तो आप उनका नाम निकलवा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।